दर्द के लिए पेन किलर ऑइंटमेंट है जिसकी 95 एमआरपी है और बाजार में 100 रुपये के करीब सब कंपनी की एमआरपी आती है। यही प्रोडक्ट की हम कस्टमर को एंड यूजर को 20 रुपये विद जीएसटी और स्टोर के मार्जिन के साथ बेच रहे हैं। डायबिटीज चेक करने का ग्लूकोमीटर है जिसकी 1500 रुपये एमआरपी है, हम 200 रुपये में एंड यूजर को कस्टमर को दे रहे हैं कि जिसको डायबिटीज से घर पे चेक करने का है तो 200 रुपये में मशीन पूरी किट मिल जाती है। N95 मास्क है जो आज मार्केट में लोग ज्यादा रेट में बेच रहे, वो 250 रुपये की एमआरपी वाला हम 25 रुपये में N95 ISO 9001 सर्टिफाइड विथ बिल में हम विथ जीएसटी के साथ बेच रहे हैं। डॉक्टर मोरपेन की एमलोडिपिन एटेनोल जिसकी 79 एमआरपी है और 8 रुपीज में कस्टमर को देते हैं। एल्डर की है ग्लिमिप्राइड मेटफोमिन और पायोग्लिटाजोन 140 रुपये एमआरपी है और हम 27 में कस्टमर को देते हैं। एबर्ट कंपनी की ओफ्लोक्सासिन है 68 की एमआरपी है, हम 17 रुपये में कस्टमर को देते हैं। सिप्ला कंपनी की एटेनोल है, उसमें भी हमने अच्छा डिस्काउंट दिया है। रानबक्सी की पेंटोप्राजोल है, पेंटाप्राजोल में 108 रुपये एमआरपी है और हम 22 रुपये में एंड यूजर को पब्लिक को दे रहे हैं। डाउ शॉप है जिसमें भी अच्छा डिस्काउंट है और वो प्रोडक्ट और किसी को डिस्काउंट में मिलती नहीं है। तो मेडिसिन के अलावा अपने पास सेवलॉन शॉप है जिसमें सेवलॉन शॉप में भी डिस्काउंट दिया गया है। लग साबुन है, उसमें भी 27 के एमआरपी है, हम 24 में कस्टमर को देते हैं। विक्स जो 25 एमएल है उसमें 75 की एमआरपी है, हम 67 में कस्टमर को देते हैं। जैसे कोलगेट है, कोलगेट में कहीं 10% डिस्काउंट मेडिकल स्टोर पे मिलता नहीं है तो ये कोलगेट में भी डिस्काउंट है। वैसे अपना एक पियर शॉप है उसमें भी डिस्काउंट है। मुझे अभी 3 साल हो गया है, अभी मेरा ये 4th साल चल रहा है। अच्छा, पहले मैं जेएमएल से पहले जॉब करता था। ओके, तो मुझे जॉब पे 7000 पर मंथ की सैलरी थी। 7500 रुपये मिलते थे पहले। ओके, और अभी मैंने जो इसको जो जेएमएल की फ्रेंचाइजी ली, ओके, अभी मैं महीने तक 1 लाख रुपया कमा लेता हूँ। हाँ जी, कितना कमा लेते हैं? 1 लाख। दोस्तों 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, पहले जो इनकी इनकम थी 7500 रुपये ये जॉब करते थे, अब फ्रेंचाइजी लेने के बाद इतनी इनकम कर सकते हैं। तो जिस फ्री सर्विस की बात की थी वो कस्टमर को फ्री सर्विस दी जाएगी, गुजराती में लिखा हुआ है, आप गुजराती आती तो पढ़ सकते हैं, बाकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह के आपको ऑफ़र दिए जाएंगे कस्टमर को, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जो कि कस्टमर आएगा ही आएगा। तो चलिए इनके एक बार ओनर से बात कर लेते हैं, मिलते हैं। जी, मेरा स्टोर ये पिछले 3 साल से चल रहा है। पहला मेरा ये जेनेरिक का स्टोर नहीं था, और वो स्टोर मैंने अबाउट 1 साल तक चलाया था। अच्छा। हाँ, वो उसमें कुछ कस्टमर वगैरह सब ऐसे मिल नहीं रहे थे। okay. और काउंटर भी नहीं हो रहा था। अच्छा। उसके बाद जेनमेड का मुझे कांटेक्ट हुआ। ओके। और पहले मैंने एक स्टोर चालू किया नवसारी में, उसमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद केवल 2 ही महीने में मैंने दूसरा स्टोर भी चालू कर दिया। ओके। उसमें भी अच्छा रिस्पांस मिला। फिर अभी पिछले 2 महीने से, 2 महीने पहले ही मैंने तीसरा स्टोर चालू किया है। ओके। काफी अच्छा चल रहा है। ये कैल्शियम का टेबलेट है, कैल्शियम विद विटामिन D3। ओके। हाँ, ये दोस्तों आप बाहर मार्केट में ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 80% तक आपको डिस्काउंट में मिलने वाला है। जी। अच्छा, अभी ये जो ब्रांड है वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जर्मन रेमेडीज कंपनी की है। ओके। अभी इसकी एमआरपी है 62 की एमआरपी है, एमआरपी 62। हाँ। ओके। और जेनमेड प्राइस है सिर्फ 11। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल आपके सामने है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, गूगल में डालिए इसका क्या कॉस्ट है, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। दूसरा है, ये पेन के लिए जेल है हमारे पास, जो हर दुखावे के लिए यूज होता है। ओके। अभी इसकी एमआरपी है 95 रुपीज। अच्छा। और ये कस्टमर को सिर्फ मिलता है 20 रुपीज में ओनली। ओहो, 95। हाँ। से मतलब कितना, इतना कुछ डिफरेंस दोस्तों, 80% से अप हो जाता है। ये मस्कुलर पेन में यूज होता है, लोअर बैक पेन सभी में यूज होता है, जो मार्केट में 95 में ही मिलता है। ओके ओके। तो कस्टमर भी आए हुए यहाँ पर, एक बार उनका भी मैं एक रिव्यू ले लेता हूँ। तो सर, मेरा नाम अजीत सिंह है, अजीत बिजनेस आइडियाज मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं एक बार आपका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि आप यहाँ से कब से जुड़े हो और कब से मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं।
कम से कम दो साल से ही दिला। अच्छा, जो बाहर जैसे लिखा हुआ है इन्होंने कि 10% से लेके 80% तक डिस्काउंट मिलता है, तो क्या सच में ऐसा कुछ डिस्काउंट मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है ना। अच्छा, तो एक बार बिल दिखा सकते हैं कि किस तरह का आपको सर्टिफिकेशन मिल रही है या नहीं है, मतलब कि जो ये वादा कर रहे हैं वो वादा निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं। मैं एक बार दोस्तों आप लोगों को बिल दिखाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डिस्काउंट मिला हुआ है, क्या है पूरा, कौन सी मेडिसिन ली है, इस तरह का बोला पक्का काम होता है, कोई कच्चा काम नहीं होता, पूरा पक्का बिल मिलेगा आपको यहाँ से। किस तरीके से आप इनके साथ जुड़ के जैन मेड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे। तो यहाँ पर इस तरह का आपका ब्रांड लग जाएगा, इस तरह का आपका मेडिकल स्टोर खुल सकता है। और देखिए कितना बढ़िया तरीके से इनका जो डिज़ाइन किया गया है, ये है पूरा ग्रीन है, और इस तरह का आपका जो लोगो है जैन मेड का, ये इनका ब्रांड लग जाएगा। तो जैसा कि आप दिखा सकते हैं, मैं कैमरा मैन को कहना चाहूँगा एक बार जैन मेड दिखा दीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इनका आउटलुक है, देखिए जैन मेड, और इनके ये अपना शुभ मेडिसिन के नाम से आप भी अपना एक ब्रांड बनवा सकते हैं। और इस तरीके से इनका यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आपको गुजराती आती है तो आप पढ़ सकते हैं, गुजराती नहीं आती है तो अगर आप किसी अदर स्टेट में इंग्लिश में हिंदी में किसी में भी लिखवाना चाहें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10% से लेकर 80% तक आपको, यानी कि कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों आप हर बार कमेंट करते हैं कि सर कुछ ऐसा बिजनेस लाइए जिसका कंपटीशन बहुत ही कम हो और मार्केट में पहले से यह बिजनेस कोई ना कर रहा हो। तो दोस्तों उसी बिजनेस की तलाश में आज मैं पहुंच चुका हूं गुजरात में, सूरत में पहुंच चुका हूं मैं इस बिजनेस की तलाश में। और दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है जिसकी अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को आप लगभग 2 से 3 महीने में ही कवर कर सकते हैं, और आप दोस्तों इस बिजनेस से लाखों रुपए अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मैं गारंटी देता हूं कि यह बिजनेस अभी फिलहाल आपके सिटी में कोई नहीं कर रहा होगा, जस्ट इस बिजनेस की स्टार्टिंग है। एक बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं। आपको कौन सा बिजनेस चूज करना है ये आपका ओपिनियन है, आप किसी भी बिजनेस को चूज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस सच करके लाता रहना हमारा फर्ज है, हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मैं आज पहुंच चुका हूं सूरत में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रफुल्ल धोराजिया, मेरी कंपनी का नाम है जैन मेड्स ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, हमारी कंपनी जेनरिक दवाई की 10 से 80% डिस्काउंट के स्टोर की फ्रेंचाइजी देते हैं, जिसमें ब्रांडेड कंपनी की जेनरिक दवाइयाँ 10 से 80% डिस्काउंट में आप स्टोर से बेच पाओगे। सर दोस्तों दोबारा सुनिए, 10 से 80%, आपने 20% तो सुना होगा लेकिन 80% तक कभी नहीं सुना होगा। तो सर ये कैसे मुमकिन है, मतलब 80% तक और कंपनियां नहीं दे पा रही, आप किस तरीके से दे रहे हैं थोड़ा वो? देखो हमारा सालों से डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, होलसेल का काम था, तो हमारे पास दूसरे की कंपेयर में 2 लेवल अप थे। हम कंपनी से जो माल आता था हम होलसेलर को देते थे, वो आगे मेडिकल स्टोर को देते थे और मेडिकल स्टोर से पब्लिक के पास जाता था, लेकिन एंड यूज़र को, पब्लिक को वो मेडिसिन ब्रांडेड के रेट से ही, MRP से ही मिल रही थी। लेकिन जेनरिक प्रोडक्ट का लोगों को जेनरिक के लेवल से मिलनी चाहिए, वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने हमारा जेनरिक मेडिकल उसका शॉर्ट फॉर्म करके जैन मेड्स ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड चालू किया। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया अप्रूव्ड है, यानी ऑल ओवर इंडिया में इनोवेटिव है और फर्स्ट टाइम इंडिया है। तो जेनरिक का क्या मतलब है, तो अगर आप इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 80% तक डिस्काउंट जा रहा है, तो क्या यह वही दवाएँ होती उसी ब्रांड की होती है या फिर जेनरिक से कुछ मतलब हटके होती हैं? जेनरिक यानी जिसका मार्केटिंग कंपनी नहीं करती है, लेकिन वही मॉलिक्यूल, वही कंटेंट, वही रिजल्ट उसको यही प्रोडक्ट से मिल जाता है, जिसमें मार्केटिंग का खर्चा नहीं होता है, उसका प्रमोशन का खर्चा नहीं होता है, कोई सेल्स पर्सन नहीं होता है, इसीलिए प्रोडक्ट सस्ती होती है। दूसरा है उसमें पेटेंट खत्म हो गई होती है, तो मार्केट में उसका जो रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन होती है वो बल्क में होती है और कॉम्पिटिशन में होती है, तो उसकी रेट डाउन होती है। और तीसरा है उसमें कोई रिस्क फैक्टर कोई कंपनी कवर नहीं करती है, तो इसीलिए वो एकदम प्रोडक्शन कॉस्ट पे मिनिमम प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं। तो दोस्तों 10 से 80% का जो डिस्काउंट है वो आपको नहीं मिलेगा, एंड यूजर को, एंड कस्टमर को, यानी कि और भी डिस्काउंट मिलने वाला है, आपका भी तो उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो वो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, मतलब कि यदि मैं आपसे फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, एक मैं अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ, तो मैं कितनी अर्निंग कर सकता हूँ? हम सालों से ये दवाइयाँ बेच रहे थे, लेकिन हमने देखा कि आज पब्लिक को बहुत महंगी मेडिसिन मिल रही है। दूसरा है स्टोर वाले को जो टेक्नोलॉजी नहीं है, जो सिस्टम नहीं है, उसकी वजह से उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने एक दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन वाला, कस्टमर के लिए फ़ायदा हो जाए,
तो कस्टमर स्टोर पे आएंगे और स्टोर वाले को फायदा हो जाए तो रिवर्स हमारी कंपनी के पास आएंगे। वैसा एक मॉडल बनाया जिसको हमने जेनमेड के नाम से वो मार्केट में चलाया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप फ्रेंचाइजी में क्या क्या इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ इंटीरियर भी होगा उसका, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी होंगे या कुछ स्टॉक भी होगा, ये क्या क्या आइटम होगा थोड़ा और हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। फ्रेंचाइजी में ऐसा है कि हम एक वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं। मेडिसिन आपको जो भी लेने की है वो हमारे पास 90 कंपनी है, हमारी जेनमेड की खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे बताइए एग्जांपल बताइए 90 कंपनी कौन कौन सी। 90 कंपनी में कैडिला है, सिप्ला है, अल्केम है, एबर्ट है, सन फार्मा, डॉक्टर मॉर्पेन, खांडेलवाल है, एल्डर है, एमक्योर है, सब जानते दोस्तों, सब पता आपको। मार्केट की जो ब्रांडेड कंपनी है वो कंपनी में से हम जेनरिक जो प्रोडक्ट है वो हम बेचते हैं। लोगों को आज कंटेंट चाहिए, ड्रग चाहिए और उसका रिजल्ट चाहिए तो वो चीज हमने रखा है। हमने पूरा कॉन्सेप्ट कस्टमर के लिए फेवर में बनाया है कि उसको कम रुपीस में अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिलनी चाहिए। और स्टोर वाले के लिए पब्लिक का पैसा बचा के पैसा कमाने का बिजनेस है। आज कोई भी आता है तो खुद मुझे क्या मिलेगा वैसा सोचते हैं, लेकिन हमने जो सोचा है वो कस्टमर को क्या मिलेगा वो सोच के पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। और हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो फार्मासिस्ट भाई बहनों के लिए एक रेडीमेड कॉन्सेप्ट बनाया है कि जो आज मार्केट में 15-20 साल 25 साल पुराने स्टोर वाले है वो इतने जम गए हैं कि नए फार्मासिस्ट को बिजनेस जमने नहीं देते हैं, तो उसकी कंपटीशन में आसानी से अर्निंग कर पाए, कस्टमर बढ़ा पाए और सेल कर पाए, वैसा एक रेडीमेड मॉडल बनाया है। सर वैसे तो मुझे मेडिकल का स्टोर, मेडिकल लाइन का जो इसका फ्यूचर है वो तो पता है, लेकिन मैं ऑडियंस से बताना चाहूँगा आपके थ्रू कि इसका क्या भविष्य, क्या फ्यूचर है, क्या वो खोल के आगे कितनी मतलब इसकी डिमांड आगे बढ़ने वाली है। जैसा कि आपको पता ही है कि हर कोई बीमारी होता जा रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जो पहले से कोई डिसीज है, किसी को मरीज है, तो उनको रेगुलर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो इस फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट है लोगों की, मतलब आगे क्या फ्यूचर रहने वाला है ये बताइए। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसलिए कि गवर्नमेंट जेनरिक के फेवर में वर्क कर रही है, उसने बहुत से रूल्स भी चेंज किया है। और दूसरा आप देखो तो अमेरिका और इंग्लैंड में 85% ऑर्गेनाइज मार्केट है, ऑर्गेनाइज यानी कोई फ्रेंचाइजी मॉडल में 3 कंपनी ने इंग्लैंड और अमेरिका में कवर किया है। 15% अनऑर्गेनाइज सिंगल पर्सन का मेडिकल स्टोर है। और इंडिया में देखने जाओ तो 9 लाख मेडिकल स्टोर है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें से 15% ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन 85% अनऑर्गेनाइजेशन में सिंगल ओनर है उसके, जिसको एक या दो स्टोर है। तो वो अनऑर्गेनाइज स्टोर होने की वजह से वो टेक्नोलॉजी सिस्टम या तो नया नॉलेज अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है यानी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, वो हमारा इन हाउस है, पूरा नॉलेज है, फ्रेंचाइजी में प्रोवाइड करवाते हैं, वो फ्रेंचाइजी में पूरा प्रोवाइड करवाते हैं। और क्या क्या है? साथ में हमने प्रोडक्ट रेंज है, तो एक स्टोर को एक लिमिटेड प्रोडक्ट रख सकते हैं। समझो ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास 40 कंपनी आज की डेट में नहीं है, हमारे पास 90 कंपनी एक ही जगह से मिल जाएगी, तो सारी वैरायटी मिल जाएगी। जैसे मॉल पे जाते हो तो शैम्पू की बोतल 50 अलग अलग होती है, उसमें डिस्काउंट होता है, रेंज होती है, बिस्किट के पैकेट अलग अलग होते हैं। वैसे मेडिसिन में भी समझो राबेप्राजोल डोम्पेरिडोन है तो मेरे पास 35 कंपनी की है, तो उसमें सबकी वैरायटी है और वैरायटी के हिसाब से सबका सेल रेट अलग है, सबका मार्जिन अलग है, तो वो ऑप्शन मैं स्टोर वाले को दे पाऊंगा और स्टोर वाले पब्लिक को दे पाएंगे। सर मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसी भी आपके पास मेडिसिन है जो अवेलेबल ना हो, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपको दोस्तों स्क्रीन पर भी मैं दिखा रहा हूँ, इनका एक वेयर हाउस है, इनके 3 वेयर हाउस हैं जो कि भरे हुए हैं बिल्कुल और सारा माल यहीं से सप्लाई होता है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसी भी मेडिसिन है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, मेरे ख्याल से 99% तो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ समझो हमारे पास सिंपल डिसीज से लेके ऑन्कोलॉजी की प्रोडक्ट है, ऑन्कोलॉजी में इमिटिनिब, गेफिटिनिब, टिमिजोलामाइड, कैपेसिटाबिन, मुझे पता नहीं सर क्या सारा ड्रग हमारे पास जेनरिक में अवेलेबल है। समझो इमिटिनिब है तो जिसकी 1850 एमआरपी है, जाइडस कैडिला की है, वो हम आज 490 रुपये में कस्टमर को देते हैं। एक बार दोबारा 1850 की 490 में एंड यूजर को, दोस्तों आपको नहीं एंड यूजर को, आपका भी उसमें प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है। इसके अलावा अगर कोई बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, सुपर स्टॉकिस्ट काम करना चाहता है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये भी आपका स्टार्टअप है और काफी लोग अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं दोस्तों।
और ये मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि सपोज करो आप तो गुजरात में हैं, आप सूरत से हैं, आपका जो ऑफिस है, अगर कोई सपोज करो कोई पंजाब से है या फिर बिहार से है या फिर यूपी से है, अगर कोई अपनी फ्रेंचाइजी लेता है तो उसके लिए जो उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब कि यहां से जो आपकी माल जो सप्लाई होगा तो उसके लिए कैसे होगा, वहीं के कोई आपका स्टॉकिस्ट होगा या फिर यहां से माल आप सप्लाई करेंगे? हमने हर एरिया में फार्मा फील्ड में डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टॉकिस्ट होते हैं, लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज नया बना के एक जोन वाइज एरिया वाइज स्टॉकिस्ट का प्लानिंग किया है, जिसको हम मास्टर फ्रेंचाइजी बोलते हैं। आप होलसेलर बोलो, मास्टर फ्रेंचाइजी, सुपर स्टॉकिस्ट, जो भी बोलो, एक मास्टर फ्रेंचाइजी है वो जेनमेड कंपनी से माल उसके पास जाएगा और उससे उसके एरिया में जो जेनमेड का स्टोर खुलेगा उसको वहाँ सप्लाई होगा, तो एक ईजिली माल सप्लाई हो पाएगा। समझो एक उत्तराखंड में हरिद्वार हमारा स्टोर है, तो हरिद्वार से आजू बाजू के जो एरिया है वहाँ से देहरादून है, अपना पौड़ी है, गढ़वाल है, रुड़की है, वो सारे एरिया में वहाँ से ही माल सप्लाई होगा, तो वहाँ से 24 घंटे में सप्लाई मिल जाएगी। दूसरा है वहाँ लोकल है तो लोग लोकल वहाँ स्टॉकिस्ट से बात कर पाएंगे और इजीली माल मिल जाएगा, तो उसकी सप्लाई चेन एक मजबूत हो पाएगी। मेरे यहाँ से मैं हरिद्वार वाले को माल पेड करके भेजूंगा और वहाँ से हरिद्वार वाले जो सेंटर में मेडिकल स्टोर है वहाँ उसको ट्रांसपोर्टेशन पेड दे के माल सप्लाई करेंगे, ताकि स्टोर वाले को बर्डन ना रहे। तो सर फाइनली बता दीजिए कि इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और क्या और प्रोसीजर होगा, थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए। रिटेल मेडिकल स्टोर के लिए 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और एक हमारा दूसरा जो मास्टर फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है जो होलसेलर का है उसका 15 लाख से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो 5 लाख में जैसा कि आपने बताया कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, कैमरे हो गए या फिर कुछ अदर आइटम हो गए, ये भी है प्लस, तो साथ में मतलब 5 लाख में 1.5 लाख का 1.5 लाख की मेडिसिन है, 50,000 फ्रेंचाइजी फीस है, 50,000 का एक प्रमोशनल मटेरियल है और दूसरा 2,40,000 का स्टोर का इंटीरियर बनाने का खर्चा है। वो पैसा हमको देने का नहीं है, वो खुद को यूज़ करने का है, स्टोर का इंटीरियर बनाने के, जैसे कंप्यूटर लेने का है, प्रिंटर लेने का है, काउंटर बनाने का है, रैक बनाने का है, बाहर का एलिवेशन बनाने का है। आइडिया देंगे आपका जो इंटीरियर है वो कैसा होना चाहिए, उसका लुकअप कैसा होना चाहिए, आपका कंप्यूटर सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, कैमरे किस तरीके से किस एंगल में कहाँ पर लगने चाहिए, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर भी आपको ये देंगे, पूरी ट्रेनिंग देंगे आप, मतलब कुछ भी आपसे मिस नहीं हो पाएगा। एकदम फ्रेश फार्मासिस्ट भी हमारे साथ जुड़े तो उसको हम पूरी ट्रेनिंग दे के पूरी सिस्टम समझा के मार्केट में जो 20 साल पुराने वाले स्टोर है उसकी कंपटीशन में हम वर्क करवा पाएंगे और उससे आगे बढ़ के सेल कर पाएंगे। तो काफ़ी लोग दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कोई डिग्री इसके लिए चाहिए, तो फार्मा कुछ ऐसा कुछ है? मेडिकल स्टोर के लिए फार्मासिस्ट चाहिए, फार्मासिस्ट में आप जो कोई स्टोर बनाने वाले फार्मासिस्ट नहीं है तो फार्मासिस्ट को पार्टनरशिप में रख के भी कर सकते हैं या तो जॉब पे लेके भी कर सकते हैं। वही चीज़ मैं बहुत देर से सोच रहा था, सपोज करो मैं इतना पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं की हुई है, मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ या फिर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन मेरे मेडिकल लाइन में कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं जुड़ना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ पेमेंट है, मेरे पास 5 लाख 10 लाख रुपये कुछ इन्वेस्टमेंट है लेकिन मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है कि मुझे फार्मासिस्ट के लिए क्या कोई अलग से हायर कर सकता हूँ मैं कहीं से स्टाफ वगैरह? उसमें फार्मासिस्ट में डिप्लोमा फार्मासिस्ट, बी फार्मेसी या तो एम फार्मेसी हायर क्वालिफिकेशन वाले कोई भी हायर करके कर सकते हैं, ऑनर आप रह पाओगे, लेकिन बिल में साइन करने के लिए क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, उसके लिए एक फार्मासिस्ट रखना पड़ेगा और ये फार्मासिस्ट की वजह से आप पूरा नॉलेज लेके कर पाएंगे, बाकी का नॉलेज हम हमारा जेनमेड का हम दे देंगे। सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं बहुत बिजी रहता हूँ, सपोज करो मैं ही हूँ, मैं एक आप लोगों लो दोस्तों बिजनेस लाता हूँ, अगर मैं ही बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं जब बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, अगर मैं कहीं अपने फार्मासिस्ट लगा दूँ, सेटअप लगा दूँ, अपना मेडिकल स्टोर खोल दूँ, तो मैं उधर उधर जाता रहता हूँ, मेरे को मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा दुकान को, तो उसके लिए क्या कुछ वो गड़बड़ी कर सकता है, कुछ ऐसा चीटिंग करे मेरे साथ कि मतलब कोई दवाई है ठीक है उसको ज़्यादा रेट में कस्टमर को दे दे, तो ऐसा कुछ वो कर सकता है, वो ट्रैकिंग सिस्टम में क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? अपने में पूरी टेक्नोलॉजी इन हाउस हमारी जेनमेड की है, प्रोडक्ट बाहर की है, दूसरी कंपनी की है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी है, तो हमारी टेक्नोलॉजी में हमने बारकोड वाली सिस्टम है, हर प्रोडक्ट पे बारकोड लगाया है, बारकोड के साथ डिस्काउंट प्राइस भी लिखी है, तो कस्टमर कंपैरिजन कर पाएंगे। जी जी, जैसा कि आप जानते हैं किसी शोरूम में जानते हैं वहाँ पर कभी भी ओनर आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ के स्टाफ मिलेंगे, वो कैसे कंट्रोल करते हैं? वैसे होते हैं सिस्टमेटिकली, ऑटोमेटिकली होता है वहाँ पर सब कुछ, कुछ नहीं करना पड़ता, स्टॉक रखा होता है, स्कैन करते हैं, वो कुछ आपसे कस्टमर से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जैसे ही वो एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि कस्टमर को बिल देना पड़ता है, कस्टमर को भी बिल दिखाना पड़ेगा, वो बिल में भी उनके सॉफ्टवेयर में कुछ फेरबदल नहीं कर सकता, बहुत ही ऑटोमेटिक है, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है और आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मॉल में जैसे मालिक नहीं होते, उसके एम्प्लॉय होते हैं, फिर भी उसका हिसाब व्यवहार परफेक्ट रहता है, वैसी अपनी सिस्टम है, कोई एक ऑनर 5 स्टोर खोलना चाहे अलग अलग लोकेशन पे, तो मैं उसके कंप्यूटर में लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा दूँ, तो एक
दिल्ली बैठा है, एक बॉम्बे बैठा है, एक हैदराबाद बैठा है, तो वहां से वो देख पाएंगे कि हैदराबाद वाले स्टोर ने कितने बजे कितना कितनी प्रोडक्ट बेची, कितने रुपए का बिल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ पर डे का बिल, प्रॉफिट कितना हुआ और पर बिल का प्रॉफिट कितना हुआ, वो सारा देख पाएंगे। और परचेस उसको एक ही जगह से करने का है तो वो भी सारा रिकॉर्ड रहेगा, तो कोई गोलमाल नहीं कर पाएंगे, कोई चीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या ये भी आप आइडिया देते हैं, सपोज कीजिए कि मुझे नहीं पता, मैं वीडियो देखी जल्दबाजी में फटाफट में फ्रेंचाइजी आपसे लेना चाहता हूँ, मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे मोहल्ले में, मेरे कस्बे में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर क्या मेडिकल स्टोर चल पाएगा, तो उसके लिए भी आप आइडिया दे सकते हैं लोगों को कि कहाँ पर मेडिकल स्टोर चल सकता है, कहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। हाँ वो हम दे सकते हैं क्योंकि वो हमारा सालों का एक्सपीरियंस है। हमारा जो इंटेंस है वो पब्लिक को कन्वर्ट करने का है, पब्लिक को समझाने का है, पब्लिक को फायदा देने का है, को किसी के साथ जुड़ के किसी का एक व्यक्ति को बेनिफिट दे के मास पब्लिक को नुकसान करने का नहीं है, मास पब्लिक का फायदा करके लोगों को फायदा देने का है और उसके बेनिफिट से हमारा सेल बढ़ाने का है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट पैसे कमाना है या फिर लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा खासा सेटअप कर सकते हैं, आप खुद ही फ्रेंचाइजी बना के खुद ही मेडिकल स्टोर खोल के काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो थोड़ा एक बार हमारे ऑडियंस को भी बता दीजिए कि क्या-क्या आपको अवार्ड मिले हुए हैं और किस तरीके से आप लोगों की आप मतलब फायदा कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम मास पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए फ्रेंचाइजी के मॉडल से ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये कॉन्सेप्ट फैलाने का है। मैं मेरा खुद का स्टोर खोलूंगा तो 1-2-5 खोल पाऊंगा, लेकिन मैं मास पब्लिक को जो फार्मासिस्ट हुए है, जो जो लोगों को लोगों की सेवाएं करने के लिए इच्छा है जिसको वो नहीं कर पाते हैं, या तो किसी को चैरिटी करने की है वो चैरिटी नहीं कर पाते हैं, वो 5 लाख का मेडिकल स्टोर लगा के साल में 1 करोड़ का फायदा पब्लिक का करवा सकते हैं, तो एक चैरिटी कर सकते हैं। कहीं 5 लाख का किसी ने चैरिटी कर दिया तो वन टाइम में किसी ने लंगर लगाया या तो ब्लैंकेट बांटे तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक बार मेडिकल स्टोर लगा दिया तो पर डे का 20,000 का सेल आता है, तो पर डे का 40,000 पब्लिक का बचता है, 60,000 MRP होती है तो उसके हिसाब से 20,000 हम कलेक्ट करते हैं, तो 40,000 पब्लिक का पर डे का बचता है, तो 25 दिन का काउंट करो तो 10 लाख महीने का बचता है, और महीने का 10 लाख बचता है तो पूरे साल का 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख पब्लिक का सेविंग होता है। तो हमारा इंटेंस है कि हम मास पब्लिक को रोजगारी दे, लोगों को सस्ते रेट में मेडिसिन दे के खुशी दे। हमारा भी यही मोटिव है, हम भी चाहते हैं कि इंडिया से अकेले के तो बस की बात नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए वो बिजनेस आइडियाज लाते हैं। मेरी तरह बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपके लिए बिजनेस आइडियाज लाते रहते हैं, उनमें से मैं भी 1% हूं, आप लोगों के लिए बिजनेस सर्च करके लाता हूं। दोस्तों हर कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते, हमारा मोटिव है हम आपको मोटिवेट करते हैं कि कोई तो नौकरी छोड़िए, अपना खुद का एक कारोबार कीजिए, अपना खुद का एक स्टार्टअप कीजिए, जरूरी नहीं है आप लाखों और करोड़ों रुपए की स्टार्ट कीजिए, आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम आपको ऑप्शन देते हैं, करना ना करना आपका काम है। हमारे जेनमेड को हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री विजयभाई रूपाणी ने एक श्रेष्ठियों का सम्मान करके एक अवार्ड दिया है, जो फार्मा फील्ड में पूरे गुजरात में हमको ही मिला था। और इसके अलावा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टअप इंडिया अप्रूव्ड है। तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रसार प्रसार अभियान, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बुक है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो योजनाएं पब्लिक के लिए बनाई है ऑल ओवर इंडिया के लिए, उसकी बुकलेट में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 151 योजनाएं है, वो योजना में हमारे 2 पेज का पूरा सेटअप कवरेज गवर्नमेंट ने लिया है, वो भी हमारे लिए एक बड़ी बात है कि जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं वहां गवर्नमेंट हमको ये सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ है, पब्लिक भी हमारे साथ है, और हमारे साथ जो फार्मासिस्ट भाइयों है जिसने फार्मेसी किया है उसको भी हम साथ में लेके मास पब्लिक को फ़ायदा कर रहे हैं और खुद का उसका भी अर्निंग हो रहा है। तो अपने पास सर्जिकल आइटम, रिहेबिलेशन बेल्ट, अपने इंस्ट्रूमेंट, कॉस्मेटिक आइटम, OTC यानी ओवर द काउंटर आइटम, आयुर्वेदिक आइटम और मेडिसिन आइटम, ये सारी प्रोडक्ट में डिस्काउंट है, जो बाकी दूसरे स्टोर पे ओनली मेडिसिन पे डिस्काउंट मिलता है, लेकिन हमारे स्टोर पे आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, OTC और आयुर्वेदिक ये सारी चीज़ में भी डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे मेन बात ये है कि मार्केट में जो मिलती है वही प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, ऐसा नहीं है कि कोलगेट पे डिस्काउंट नहीं है, आयोडेक्स पे नहीं है, ये सारी ब्रांडेड चीज़ पे भी डिस्काउंट है, तो हमारा ये थर्ड पार्टी जजमेंट है। थोड़ा नामी ग्रामी सर, जैसे आपने कोलगेट बताया या कुछ और हमारे लोगों को बता दीजिए ताकि वो ये ना समझें कि कुछ आपके अलग से प्रोडक्ट हैं। नहीं, हमारी खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं है, बड़े वाले ब्रांड बता दीजिए, कोलगेट है, आयोडेक्स है, विक्स बाम है, कायम चूर्ण है, लक्स साबुन है, सेवलॉन लिक्विड है, वैसा अपना डीओ स्प्रे में नेविया है, अपना सब जानते हैं लोग,
वाइल्ड स्टोन का डीओ है जी, डव शैम्पू है, पेंटिन शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, तो ये सारे शैम्पू टूथपेस्ट साबुन अप टू 80% ये सब में डिस्काउंट है। ओके ओके, तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। आप मैं बस आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो का जो टारगेट है हमारा, कम से कम आपको 5000 लाइक तो करने ही पड़ेंगे, इतना अच्छा आप लोगों के लिए मैं बिजनेस ला रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप नहीं करते हैं तो हो सकता है किसी और के पास ये वीडियो पहुँच जाए और वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करे, अर्निंग करने लगता है, तो आपको दुआएँ देता है। आप लोगों के साथ हमें भी दुआएँ मिलती हैं और बने रहिए हमारे चैनल को। तब तक चलते हैं किसी नए दूसरे बिजनेस तलाश में। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। वंदे मातरम।